जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो हमारे अर्थ पर आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी पानी की कमी देखी जाती है, जबकि पृथ्वी पर 75% वाटर है। इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि हमें पानी की कमी देखने को मिलती है, इसी बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। देखो, हमारे अर्थ पर टोटल सरफेस में से 3.4% जो सरफेस है उसमें क्या है, सी वाटर है। 97.3% क्या है, समुद्री पानी है अगर टोटल पानी की हम बात करें, और 2.5% क्या है, फ्रेश वाटर है जो कि पीने लायक है। लेकिन उसमें से भी जो फ्रेश वाटर है उसमें 70% किस फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है या फिर आइस के फॉर्म में है, प्रेजेंट है। लेकिन पीने लायक अगर पानी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30% वाटर ही है जो कि सरफेस वाटर और ग्राउंड लेवल वाटर में मौजूद है। अब हम जानते हैं कि वाटर स्केसिटी क्या होती है। वाटर स्केसिटी का सीधा सा मतलब है द मीन्स ऑफ वाटर स्केसिटी इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी ही होना ही क्या कहलाती है, वाटर स्केसिटी। इसका हिंदी मतलब भी यही होता है कि पानी की कमी होना, ठीक। तो वाटर स्केसिटी के बाद हम ये समझते हैं कि कॉजेज ऑफ वाटर स्केसिटी क्या है, फिर क्या कारण है जिसकी वजह से जो पानी की कमी है वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है कि क्लाइमेट चेंज, लगातार जो मौसम में बदलाव होते रहते हैं उसकी वजह से भी हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा ड्रॉट एंड फ्लूड्स, यानी कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ जाता है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से भी जो पानी की कमी है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, ये मेजर कॉसेस है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, और जब पानी की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वाटर स्केसिटी होगा, क्योंकि पानी तो उतना ही है। इसके बाद आता है हमारा कि यूजेस एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, लगातार जब हम पानी का हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे या फिर पानी को बर्बाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी होगी ही। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो है कि ग्लोबल राइज ऑफ फ्रेश वाटर डिमांड, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखें तो जो पानी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है हमारे कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि लगातार इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, तो जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं उसके हिसाब से उसे पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये भी एक मेजर कॉसेस जो है वाटर स्केसिटी के, वो क्या है, पहला आता है हमारा क्लाइमेट चेंज, दूसरा आता है हमारा ड्रॉट एंड फ्लूड, तीसरा आता है हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, चौथा आता है हमारा ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, पांचवा आता है हमारा ग्लोबल राइज ऑफ फ्रेश वाटर डिमांड, और छठवां आता है हमारा कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, सेटअप हो रही हैं वो। अब इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ मेजर एक्शंस लिए वाटर स्केसिटी को लेकर के, कि पानी की कमी को रोका जा सके। इसके लिए सबसे पहले जो योजना आई थी वो थी अटल भूजल योजना। इस योजना के अंदर क्या था कि ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन रखा जाए, कोई भी व्यक्ति हद से ज़्यादा ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर को ना निकाले और वेस्ट ना करे, ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए ये जो वाटर है ग्राउंड लेवल वाटर वो मेंटेन रहे और बना रहे, ठीक। इसके बाद एक और योजना आई वो थी जल जीवन योजना। जल जीवन योजना क्या थी कि द गोल ऑफ जल जीवन मिशन इस सप्लाई 55 लीटर वाटर पर कैपिटा पर डे रेगुलरली, यानी कि हर घर में कम से कम 55 लीटर पानी तो पहुंचाना ही है जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, ताकि किसी के पास भी जो पानी की कमी है वो देखने को ना मिले, ठीक। इसके बाद आता है हमारा इफ़ वी नॉट कंजर्व द वाटर सो देयर आर मैनी प्रॉब्लम वी आर फेस लाइक हेल्थ, फूड स्केसिटी, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि अगर हमने समय रहते पानी को नहीं बचाया, पानी को कंजर्व नहीं किया आने वाली जनरेशंस के लिए, तो क्या होगा कि जो लगातार बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी घटने के बजाय, और हमें खाने की भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिना पानी के तो खेती करना नामुमकिन है, और अगर जब खेती ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी की वजह से हमें खाने की भी कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद है कि इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, अगर पानी नहीं होगा तो इकोसिस्टम, जाहिर सी बात है पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इकोसिस्टम पूरा हिल जाएगा, और इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, यानी कि जो इकोलॉजिकल मेंटेन बना हुआ है वो लगातार गिर जाएगा। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्लाइमेटिक चेंज होगा और सबको इसके प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आता है कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन,
यानी कि बहुत सारी योजनाएं लाई गई, किस लिए? पानी को बचाने के लिए, जैसे कि डैम, रिजर्वायर, कैनाल, लेक। पहला आता है कि हमारा डैम्स। जैसे कि आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि नदी के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, और रिजर्वायर यानी कि पानी को रिजर्व करने के लिए भी बहुत जगह पर चीज़ों को बनाया जाता है, कैनाल्स बनाए जाते हैं, और यहाँ पर कि बहुत सारे लेक्स बनाए जाते हैं, ताकि जो ये पानी की कमी है वो हमें ना देखने को मिले, हर समय हर किसी के पास जो पानी है वो कंटिन्यूस मिलता रहे। स्पेशली कि खेतों में पहुँचाने के लिए कैनाल्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि खेती ना रुक सके, इसीलिए इन सब चीज़ों का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि पहले के समय में किस तरीके से वाटर को रिजर्व करने के लिए जो कुछ तरीके बनाए गए थे, कुछ मेथड बनाए गए थे, वो क्या थे। तो यहीं इलाहाबाद के पास में 1st century BC के आसपास में ही श्रीवंगपुरा में एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसके थ्रू बारिश के पानी को प्रिजर्व किया जाता था ताकि उसका बाद में यूज़ किया जा सके। ये 3 phases में बना हुआ था। जब बाढ़ का पानी ज़्यादा होता था गंगा नदी का, तो वो पानी एक के बाद एक कैनाल्स में भरता चला जाता था, और ऐसे करते ही करते ये सारे कैनाल्स जब फुल हो जाते थे, उसके बाद ये जो पानी था ये नेक्स्ट साइड से बाहर भी निकल जाता था, और इसी से जो वाटर था ये प्रिजर्व करना वहीं से स्टार्ट हुआ सबसे पहले। इसका मतलब है कि एंशियंट टाइम में भी जो वाटर रिजर्व है वो किया जाता था। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड, देयर आर मेड अप ऑफ मैनी लेक डैम एंड द इरीगेशन सिस्टम इज सो वेल। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय में बहुत सारी जो लेक्स थे, डैम थे और इरिगेशन सिस्टम थे, उन्हें बनवाया गया, और वो काफ़ी अच्छे थे उस समय में, यानी कि सबसे पहले उनके ही समय में इन सब चीज़ों का सबसे अच्छा निर्माण और उपयोग किया जाता था। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है कि डैम्स। ठीक, अभी तक आपने डैम्स के बारे में तो सुना ही होगा कि डैम्स क्या होते हैं। डैम मतलब होता है बांध। अभी जो डैम होते हैं इसका यूज़ क्या होता है, तो हम सबसे पहले इसका यूज समझते हैं। डैम इज द बैरियर द दैट स्टॉप द ओवर रिस्ट्रिक्टेड द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। यानी कि ये जो डैम है ये एक बैरियर होता है, एक तरीके का एक रोक होता है, जिससे जो नदी का पानी है उसे रोका जाता है ताकि बाद में उसका यूज किया जा सके। ठीक, इसके बाद जो है हमारा कि हीराकुंडा डैम। अब हीराकुंडा ये जो डैम है इट इज़ प्रेजेंट इन उड़ीसा एंड इंडियाज लार्जेस्ट डैम। तो ये जो है ये उड़ीसा के अंदर मौजूद है, इसका नाम हीराकुंडा डैम है, और ये जो है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम, यानी कि डैम को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के बेसिस पर ये जो हमारे डैम्स हैं इनको कुछ क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा कि टिम्बर डैम। ये जो टिम्बर डैम होते हैं ये छोटी मोटी नदियों पर लगाए जाते हैं ताकि ये जो पानी है बारिश ख़त्म होने के बाद इनको सिंचाई के उपयोग में ले आया जा सके। दूसरा आता है कि मशीनरी डैम्स। ये जो मशीनरी डैम्स हैं ये भी मटेरियलिस्टिक डैम्स में ही आते हैं, और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, और इनका इस्तेमाल बड़ी नदियों में भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा कि एम्बैंकमेंट डैम। ये जो एम्बैंकमेंट डैम है ये काफ़ी जो नदियां चौड़ी होती हैं उनके जगह पर किया जाता है, और यहीं इन्हीं नदियों से जब कभी भी बारिश ख़त्म होती है या सूखा पड़ता है तो हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके पानी का, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। लेकिन मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है वो किसके बेसिस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पर, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है। हाई हाइलाइटेड डैम्स, यानी कि जो काफ़ी ऊंचे डैम्स होते हैं ये ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ पर कि तीनों तरफ से रास्ते बंद हो और एक ही तरफ से निकलता है पानी, तीनों तरफ पहाड़ हो, तो वहीं पर क्या बनते हैं, हाई हाइलाइटेड डैम्स बनते हैं। दूसरा आता है कि हमारा मीडियम हाइलाइटेड डैम। ये जो मीडियम हाइलाइटेड डैम्स हैं
ये हाई हाइलाइटेड डैम से थोड़े छोटे होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मीडियम हाइलाइटेड डैम, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ये जो तीनों ही डैम्स होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा लो हाइलाइटेड डैम्स, यानी कि जो छोटे हाइलाइटेड डैम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किससे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट की बेसिस वाले डैम्स से। ठीक, तो ये डैम्स की क्लासिफिकेशन समझ में आया। इसके बाद जो पॉइंट आते हैं हमारे कि यूजेस ऑफ डैम, यानी कि डैम के क्या इस्तेमाल है। ठीक, पहला आता है हमारे कि इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने घरों में या फिर बहुत सारी जगहों पर उसके पानी से यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिश ब्रीडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। इसराइल जैसे देश में सिर्फ 15 से 25 सेमी बारिश होने के बाद इतना पानी की कमी वहाँ पर नहीं देखी जाती, लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा सेमी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी देखी जाती है। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न यही है कि यहाँ पर जो सेटअप है वाटर्स को लेकर के वो नहीं सही किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, यानी कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है अब हम उसे देखते हैं। इफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि ये जो डैम है ये नेचुरल फ्लो जो है उसको इफेक्ट करते हैं। अगर आपने कई बार ध्यान दिया हो तो आज के टाइम पर बहुत सी नदी ऐसी होती हैं कि जिनमें गर्मी के समय में एकदम सूखा पड़ जाता है, नदी एकदम सूख जाती है। उसका एक ही कारण है, वो है डैम, क्योंकि जब ये डैम्स नहीं थे तो लगातार जो रिवर का फ्लो था वो एक मेंटेन रहता था, बाढ़ के समय ज़्यादा होता था, गर्मियों में कम होता था, लेकिन डैम की वजह से जो रिवर फ्लो है उसमें काफ़ी इफेक्ट आया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा इंटर स्टेट डिस्प्यूट, कई बार क्या होता है कि एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में जो नदी है वो चली जाती है, और अगर किसी राज्य ने बीच में डैम बना दिया या फिर कुछ भी कर दिया जिसकी वजह से दूसरी स्टेट में पानी नहीं पहुंच पाया, तो उसमें भी दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ट्राइबल पीपल को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि जहाँ पर डैम बन जाता है तो वहाँ पर उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक, जो ट्राइबल पीपल जंगलों में रहती हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है बारिश के पानी को प्रिजर्व करने का, ताकि जब बारिश चली जाए तो उसका यूज़ किया जा सके। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, जैसा कि मैंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक सिंपल सा मैथड है जिससे हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि छत पर जो पानी बरसता है उसको सीधे अपने टंकियों में पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं और वो पानी जो है बाद में यूज़ होता है। हालांकि अपने इंडिया के अंदर केरल जैसे स्टेट्स के अंदर जो वाटर है ये मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इसको लगाना वहाँ कुछ स्टेट्स के अंदर कंपलसरी है, ताकि उन्हें बाद में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर फैसले लिए गए हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं लिए गए। ठीक, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ में आया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है हमारे कि बैम्बो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, यानी कि ये जो बैम्बो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि बैम्बूज के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ अ 200 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रेनिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर यूजिंग बाय बैम्बू पाइप्स। आपने बांस को तो देखा ही होगा, बांस को तो आप जानते हैं वो अंदर से खोखला होता है, तो बांस को लगा करके एक जगह से दूसरी जगह तक, अक्सर ये पहाड़ी इलाकों पर होता है जहाँ पर ऊपर से पानी को नीचे ले आने के लिए ऐसा किया जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि वहीं पर, बहुत सी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। बैम्बू पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का। यहीं पर हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।